और बड़ी देर की प्रतीक्षा करने के पश्चात जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला व्यू। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो हम आपके अच्छे होने की कामना करते हैं। तो भाई साहब, हम लोग रीवा के लिए निकल रहे हैं और ये हमारा ई रिक्शा यहाँ पे आ चुका है। तो भाई साहब देख सकते हैं, हम लोग अभी रिक्शा में बैठे हुए हैं। प्रहलाद भाई का मास्क लगा हुआ है कि जनता इन्हें देख ना ले, ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं कितना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लैपटॉप की और प्लस कैनन की लेते हुए। कपिल हॉपर बैठा हुआ है, देखो कपिल हॉपर को। और हम रिक्शा वाले भैया से बोलना चाहेंगे कि आप आराम से चले क्योंकि कपिल हॉपर को पाइल्स की बीमारी है। मजाक था भाई, मजाक। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग स्टैंड आ चुके हैं और कपिल हॉपर हमारे सामने खड़ी हुई है, जानी मानी महान हस्ती एडिटिंग की दुनिया की। तो अभी हमारी बस का जो एक्चुअली रियल टाइमिंग है वो है 3:30 पे, इनसे मिलिए। ये हमारे पीछे सुपरस्टार स्काईराज, तो ये खड़े हैं। तो भाई कैसा लग रहा है खड़े हो गए यहाँ पे? खड़े हो गए, अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। तो मतलब अभी अपन को आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो फिर आपने कभी ऐसा किया नहीं है पहले, तो आज कर रहे हैं, आज कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा फील कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये अच्छा फील कर रहे हो या ना कर रहे हो लेकिन बोल रहे हैं ऐसा। और हम यहाँ आ गए हैं चाय पीने, दादा चाय बना रहे हैं यहाँ पे, अभी चाय पीते हैं। वहाँ पर चाय पियेंगे, बिल्कुल पियेंगे चाय। तो खाना वाना खाया है ना? बिल्कुल खाना, मफलर वफलर सब अपना ओके है ना? देख सकते हैं गाइस, ये है दो दो बैग, एक में लैपी है और एक में इनका। भाई साहब बहुत देर इंतजार करने के बाद ये आ गई है हमारी चार्टर्ड इंदौर की। तो भाई साहब देख सकते हैं अंदर हम लोग बैठने, सामान वामान रख दिया है और गाड़ी पूरी एसी बस है चार्टर्ड की। तो कपिल कैसा लग रहा है चार्टर्ड में बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एसी है सारी। तो राज भाई देख सकते हैं गाइस, बैठते हुए सामने सीसीटीवी से पूरी कंट्रोल्ड है हमारी बस। और ये सामने हम देख रहे हैं आपको। राज भाई का कहना है कि भाई 50 सॉफ्ट हम निपटाएंगे। 3000 की तो लाइट लगी है भाई साहब, 4650 का टोटल ट्रांजेक्शन किया था यही पीछे वाली दुकान में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं अभी हम बमीठा क्रॉस हो गए हैं और बागेश्वर धाम भी हम ओवरटेक कर आए हैं। अब हम पहुंच रहे वाले हैं पन्ना की घाटी, जो आप सभी लोग वाकिफ हैं, डायमंड सिटी पन्ना। और सब्सक्राइब करें चैनल स्काई राजा, मिलते हैं आपसे पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। धन्यवाद। और तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं ये घाटियां शुरू हो गई हैं और ये घाटिया का पहला मोड़ है, यहाँ पे शुरू हो गया है। और यहाँ से साइड बाय साइड आप लोग देखते जाइए, अभी हम पांडव फॉल वाली रास्ता जो है वो आगे है। भाई साहब, ऐसे में कोई टाइगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन टाइगर ऐसे में मिलते नहीं है, बड़े भाग्य वालों को मिलते हैं टाइगर। और ये देख सकते हैं पांडव फॉल की नदी, जहाँ 5 पांडव आए थे पानी पीने। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, और ये वाला टर्न, और ये देख सकते हैं ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है कुलिया, देख सकते हैं आप कितनी वर्चस्व इसका खराब हो गया है। बड़ी देर की प्रतीक्षा करने के पश्चात जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये वाला व्यू, हम आ चुके हैं बैरोटेक के जो मंदिर है लेफ्ट कॉर्नर में है। और देख सकते हैं कितना बढ़िया बेहतरीन लग रहा है, हम कितना ऊपर कर ले, बस के ऊपर थोड़ी चले जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से हम दिखाते हुए देख सकते हैं, और ये देखिए यहाँ से अभी ये मतलब पेड़ की उगाई इतनी हो गई है, पहले ये पेड़ नहीं थे ना, तो ये जो उस साइड का सीन है ना बहुत बढ़िया दिख रहा था। और ये है बैरोटेक का मंदिर लेफ्ट साइड में निकल गया, और ये कहाँ का स्थान। तो अभी हम लोग रीवा पहुँचते हैं 1 घंटे के अंतराल में, फिर आपको दिखाते हैं आगे का ब्लॉक बस स्टैंड में रीवा के। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं सफ़ेद तेरों की भूमि रीवा में हम लोग आ चुके हैं, और ये अभी यहाँ पे पीछे पेट्रोल पंप है
और ये बस यहाँ पर हमारी पार्क है और ये हमारा पूरा लगेज। हम लोग रीवा आ चुके हैं। अब हमारे जो फूफा जी हैं पहलाद भाई के, वो आने वाले हम लोगों को I-20 से रिसीव करने। तो जब तक फूफा जी का वेट करते हैं, और पहलाद भाई थक गए हैं, टीम बना रहे हैं। हॉपर का देखिए हाल कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे। तो हॉपर ठीक है, अब देखते हैं फूफा जी कब तक आते हैं। फूफा जी का वेट करते हैं, फिर घर जाके ब्लॉग का एंड करते हैं। धन्यवाद।